जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलते हैं हम अपने गोल्ड की सेकंड वीडियो की तरफ। तो देखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में बताया था कि अगर हमारा ये ब्रेकर हमें हो जाता है, मिल जाता है हमें ये ब्रेकर, तो हम फिर हम इसको बैक रूप में देख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं देख सकते, वो भी ये ब्रेक होने से पहले। अब मेरा हक बनता था कि मैं आप लोगों को सेकेंड वीडियो भी ड्रॉप करूँ। तो अभी हम अगर एच को, अब मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म के बारे में बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास जो दो ब्रेकर हैं, ठीक है, फर्स्ट ब्रेकर हमारे पास ये है, ये वाला ब्रेकर है, ठीक है। इसका जो डिसीजन पॉइंट खड़ा है ये है। अब इसे ऊपर वाला देखते तो ये वाला है डिसीजन पॉइंट, लेकिन इसको मैं काउंट नहीं करूँगा क्योंकि ये फिल हो चुका है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए छोटा सा माइनर ब्रेकर देखते हैं तो हमारा माइनर ब्रेकर ये हो जाता है, और इसका जो डिसीजन पॉइंट है हमारे पास वो ये वाला है, ये वाला, ठीक है। तो अब देखें, ये वाला यहाँ से ब्रेकर हुआ या दूसरी कैंडल ने इसको रिटेस्ट कर ली, लेकिन इसको मैं फेल करार दूंगा क्योंकि ये हमारा माइनर हो गया। तो हम जो ओरिजिनल हमारा स्ट्रॉन्ग खड़ा है, क्या कहते हैं डिसीजन पॉइंट, वो ये वाला है, ठीक है। तो यानी कि 1980 तक राउंड अबाउट जा सकता है अगर ये वाला ब्रेकर हमें देता है तो। लेकिन जो प्रेजेंट सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक अगर मैं आप लोगों को अभी प्रेजेंट मूव दिखाऊं तो गोल्ड जो है हमारे पास H4 का ये है, और M15 का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट POI पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये वाला है। यानी कि अगर आप लोग सेल करना चाहते हो तो फिर आप लोग 1919 से सेल करोगे, ठीक है। और जो आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा आप लोगों का ये रहेगा, और जो आप लोगों का टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है, ये वाला, ये आप लोगों का नेक्स्ट ऑर्डर है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को रेगुलर अपडेट दूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो वगैरह अच्छी लगे तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग मुझे फीडबैक दें ताकि मैं मज़ीद अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकूँ। ओके जी, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कल मॉर्निंग की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम क्या चीज़ नोट करते हैं। वैसे बेसिकली आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम मंथली, वीकली और डेली और H4 के टाइम फ्रेम को माइंड में रखते हैं। और उसके बाद ये है कि अब मैंने शॉर्ट टर्म की एंट्री करवानी थी तो मेरे लिए H4 और M15 परफेक्ट है। तो ठीक है, अब यहाँ से एंट्री करेंगे, 1919 से एंट्री करेंगे, और आप लोगों को जो स्टॉप लॉस रहेगा 1928 रहेगा, 110 पिप का स्टॉप लॉस है, और जो आप लोगों का टारगेट रहेगा वो 1888 रहेगा, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।